नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिनभर की प्रमुख खबरों की तरफ। कुछ समय पूर्व रघुवंशी समाज ने एक युवक के साथ की गई मारपीट के विरोध में हंगामा किया था, जिस पर गुना में पूर्व थाना प्रभारी के पक्षधर लोगों का कहना था कि रघुवंशी समाज गुंडों को पना दे रहा है। उसके साथ ही तथाकथित लोगों ने इसके बारे में बढ़चढ़ कर सोशल मीडिया पर मैसेज भी फैलाए थे, जिसमें युवक के साथ मारपीट की बात को पूरी तरह से गलत बताया जा रहा था, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कैंट थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया था। आनंद फानंद में एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि नानाखेड़ी में मुनीम के साथ हुई लूट के आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, जिन लोगों से पुलिस को 80,000 रुपए में बरामद हुए थे, जिसके बाद इन आरोपी युवकों को जेल भेज दिया गया। तभी से लोगों में आपसी छींटाकशी भी चल रही थी। पूर्व थाना प्रभारी के पक्षधर लोग बोल रहे थे कि थाना प्रभारी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया है, जिसमें रघुवंशी समाज ने गुंडों और बदमाशों का साथ दिया। वहीं इस मामले में अचानक एक मोड़ तब आया जब शिवपुरी में एक लूट के मामले का खुलासा हुआ, जिसमें भदरवास सहित गुना जिले के 2 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में कई सारी बातें सामने आई। तफ्तीश में यह भी पता चला कि जिन युवकों को शिवपुरी पुलिस ने पकड़ा है, वही नानाखेड़ी में हुए मुनीम के साथ लूट के मुख्य आरोपी भी हैं। इसके साथ ही शिवपुरी पुलिस ने उनके पास से लूट के समय में उपयोग में लाई गई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज से भी चेहरे मिलाए गए। गलती करते हो, पहले प्रिंट वाला फोटो ले लेंदी करो, फिर करते रहा करो। थोड़ा ऊपर कर लिया जिससे वो बदमाशों ने, एक ने आगे से उसको रोकने का प्रयास किया था, फिर पीछे से 2 बदमाश आए थे जिन्होंने कट्टे का भय दिखा के लूट लिया था करीब 2.5 लाख का कैश और ऊपर कर ले आईडी ऊपर कर ले उसका जो और कर था लैपटॉप का ये ले गए। इसमें पुलिस लगी हुई थी, आज इन्फॉर्मेशन मिली थी थाना प्रभारी और वहाँ के कोलारस के SDOP इन लोगों को खबर थी, इस पे दबिश दी गई। इसमें 3 आरोपी जो तीनों उसमें शामिल थे मिल गए हैं, 2 आरोपी इसमें गुना के हैं और एक जो है वो भदरवास शिवपुरी जिले का है, एक है ये नंदू धाकड़, दूसरा है इसमें सतीश धाकड़, तीसरा राजेश धाकड़। इनसे वो दोनों मोटरसाइकिलें जो लूट में इस्तेमाल हुई थी वो मिल गई हैं और 1,90,000 कैश मिला है, लैपटॉप और ये कट्टा जो उसमें लूट के दौरान इन्होंने प्रयुक्त किया था वो मिल गया है। पुलिस ने इनको पकड़ लिया है, इनसे पूछताछ कर रहे हैं। ये संभव है कि ये दूसरे भी अपराधों में शामिल हों, उसकी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इसमें और आरोपी है क्या जी? देखिए, अभी एक बात की संभावना है कि क्योंकि ये एक व्यक्ति जो इसमें से आरोपी था उसकी कुछ यहाँ पे फ्रेंडशिप थी, जो पहले से 3 दिन पहले से आके रैकी किया था, इस पर नज़र रख रहा था कि ये पैसे लेके जाता है, और जब वो रैकी किया था उसके पहले कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिसने इसको पहचान करवाई हो, तो उस पर भी हम अभी तफ्तीश करेंगे। कहाँ पे रहने वाले हैं ये तीनों आरोपी? जैसे मैंने बताया, एक इसमें भदरवास शिवपुरी जिले का है और 2 आरोपी यहाँ गुना जिले के हैं। साथ ही यदि शिवपुरी पुलिस के दावों की बात की जाए तो जिन लोगों को शिवपुरी पुलिस ने पकड़ा है उन्हीं आरोपियों ने गुना में मुनीम के साथ लूटकर 8 लाख रुपए लूटे थे, तो फिर कैंट थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने जिन लोगों को जेल भेजा है वे कौन थे? यदि वो निर्दोष थे तो समझ से परे कि उन लोगों का दोष क्या था जो उन्हें जेल भेजा गया। वहीं सूत्र बताते हैं इस घटनाक्रम का मास्टरमाइंड अरविंद पंडित भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आपको बता दें, अरविंद पंडित ये वही पुजारी है जिसने भूतपूर्व कैंट थाना प्रभारी आशीष सप्रे और उनकी महिला सहकर्मी के साथ हनुमान जी के मंदिर पर मुकुट अर्पित कर पूजा करवाई थी। शायद यही कारण रहा होगा कि मुख्य अभियुक्त तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। इन भूतपूर्व थाना प्रभारी के पास शायद ऐसी कोई एक्सपर्ट टीम थी जो आदमी को सूंघकर पता लगा लेती थी कि आरोपी है या नहीं। वहीं सूत्र यह भी बताते हैं कि यदि भूतपूर्व थाना प्रभारी यानी कि आशीष सप्रे के द्वारा दर्ज किया गया सेक्स रैकेट की भी अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो उसमें भी कई ऐसे लोग सामने आ जाएंगे जिन्हें निर्दोष होते हुए भी सजा भुगतनी पड़ रही है।
गायत्री मंदिर द्वारा आयोजित किया गया प्रतिभा सम्मान समारोह। प्रतिभा सम्मान समारोह में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 75% से अंक लाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव मौजूद रहे। इसके बाद बच्चों ने तालियां जोर से भारत को आशीर्वाद माता पिता साथ में फोटो खिंचाने के लिए मित्रा जी साथ में थोड़ा अगर फोटो अनुभव के तिवारी योगेश तिवारी इस कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया गायत्री शक्तिपीठ पर। विवेक जिलाध्यक्ष हैं राधेश्याम जी, उनके माध्यम से या मुख्य अतिथि के में डीओ साहब उपस्थित रहे और जिन्होंने 10वीं 12वीं में जो विद्यालयों से प्रथम और जिले में जो प्रथम है उन जिन्होंने 80% और 75% से किया उन लोगों के द्वारा ब्राह्मण समाज के द्वारा आज यह प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया। मध्य प्रदेश वन कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 11वां दिन। वहीं इस भीषण गर्मी में भी 11 दिन तक अपनी मांगों को लेकर टिके हैं वनकर्मी। इसके साथ ही समस्त वनकर्मियों का यह भी कहना है कि यह हड़ताल तब तक नहीं रुकेगी जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती। वहीं धरना स्थल पर 1 जून से महिला कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं, जिसके चलते आज एक महिला कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने से उसको निजी डॉक्टर को बुलवाकर इलाज कराया गया, जिसका इलाज धरना स्थल पर ही किया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों का आरोप है कि 11 दिन की हड़ताल के बाद भी शासन या प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा उन्हें देखने के लिए नहीं आया। साथ ही उन्होंने 1 तारीख से भूख हड़ताल के बारे में भी प्रशासन को अवगत करा दिया था, जिसके बाद भी कोई डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचा और ना ही कोई प्रशासनिक अमला। हम अपना अधिकार मानते अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। यात्रा नहीं अपना होगा, यात्रा नहीं अपना जब तक चीज पीआरसीसी जी और आईटीसी में संशोधन नहीं हो जाता। आज हमारा वन कर्मचारी संघ का 11वां दिन है और हमारे गुना अशोकनगर के पड़ोस में हमारे महिला द्वारा केस दान किए गए हैं जो सर्वनाश घटना है। इसके विरोध में हमारा कर्मचारी गुना का आक्रोश व्यक्त करता है और आज उस केस दान करने से हमारे कर्मचारियों में आक्रोश है और उनके केस जो दान किए हैं उसका बलिदान हमारे कर्मचारी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और हमने शासन को सूचना दी है SDM साहब को कि हमारे यहाँ भूख हड़ताल चालू की गई है 1 तारीख से, लेकिन हमारे धरना स्थल पर ना तो कोई डॉक्टर आ रहा, ना हमारा कोई प्रशासन मदद कर रहा, ना कोई हमारे अधिकारी मदद कर रहे। इससे हम कर्मचारियों में आक्रोश है और कर्मचारियों को डराने के लिए मध्य प्रदेश शासन एस्मा लगाने की प्रयास कर रही है और अगर शासन एस्मा लगाती है तो हमारे कर्मचारी तन मन धन से संघर्ष करेंगे और हड़ताल जारी रखेंगे और आज जाने को तैयार। इधर पे ही ड्रिप चलाई जा रही है, हमने प्राइवेट डॉक्टर बुलवा के अपने ड्रिप चलवाई है क्योंकि हमें अपने महिला का भी ध्यान रखना था। हमारा दायित्व है वन कर्मचारी संघ का कि हमारी महिला साथी सुरक्षित रहे। नगर पालिका परिषद द्वारा इन दिनों कराई जा रही है सभी नालों की सफाई। मानसून की दस्तक देने से पहले ही सफाई करवाना इसलिए भी उचित है क्योंकि यदि समय रहते सफाई नहीं हुई तो इसके चलते निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा हमेशा बना रहेगा।
वहीं इस कड़ी में नगर पालिका द्वारा नालों की सफाई भी की जा रही है, पर सफाई में देखने लायक बात यह है कि जिस नाले का कचरा निकालकर बाहर न फेंकते हुए उसे नाले के अंदर ही साइड में डलवा दिया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में नाला और सकरा हो जाएगा। समस्या पर है कि एक ओर तो शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की कवायद शुरू है, वही दूसरी ओर इन नालों को सकरा क्यों किया जा रहा है, साथ ही इन्हें बर्बादी की कगार पर क्यों लाया जा रहा है। जितने भी नाले हैं, बड़े बड़े पुलिये हैं, उनकी सफाई जेसीबी, पॉकलैंड, डंपर, ट्रैक्टर लगा के करवाई जा रही है। कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। बारिश के पहले कहीं पर भी पुलियों पर और नालों में, बड़े नालों में कहीं पर भी पानी ना रुके। ये कहां से कहां तक चलेगी? ये शास्त्री पुल, शीतला माता, रपटा, पनरिया, ईदगाहवाड़ी का पुलिया और खटीक मोहल्ले की पुलिया और यहाँ यहाँ हमारे टेंट में भी तीन चार पुलिये हैं, शहर में और भी पुलिये हैं, उनका कार्य कराया जाएगा सफाई का। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर एक शासकीय कर्मचारी द्वारा आस पड़ोस के क्षेत्रों में जाकर साइकिल से जाकर पर्यावरण बचाने के संदेश दिए गए। बता दें कि आशीष गलगले जो कि शिक्षा विभाग में पदस्थ हैं, वे कई वर्षों से साइकिलिंग कर रहे हैं। आज उन्होंने उस अपनी टीम के साथ मिलकर आसपास के इलाकों का भ्रमण साइकिल से किया, साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को संदेश भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने संकल्प भी दिलाया कि सप्ते में कम से कम एक बार लोग साइकिल से सवारी करेंगे। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर मैं और मेरे छोटे भाई समान तीन चार साइकिलिस्ट, इसमें अजीत लोधा, धीरज ओझा और उदय परिहार, ने आज कल विचार बनाया कि साइकिल दिवस पर कुछ विशेष किया जाए। तो इसी क्रम में हम लोग बजरंगढ़, आरोन, राधवगढ़ और से होते हुए NFL गए, जहाँ एक साइकिलिंग के विषय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था NFL के लोगों द्वारा। वहाँ साइकिलिंग के बारे में जानकारी दी गई और बच्चों को प्रोत्साहित किया गया, साथ ही पर्यावरण को अपन कैसे अशुद्ध होने से बचा सकते हैं और साइकिलिंग करके कैसे अपन अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और पर्यावरण में भी साइकिलिंग बड़ी सहायक बन सकती है। इस संबंध में सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और सभी लोगों द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन वो 5 से 10 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए, रुठियाई होते हुए गुना वापस अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करता है। साइकिलिंग से आप पब्लिक में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जैसा कि विगत दिनों में ऐसा लोहा जो हाहाकार मचा हुआ है कि ईंधन की कीमत बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हर घर में कैपेसिटी से ज़्यादा वाहन है जी। हर घर में जहाँ 2 वाहनों की ज़रूरत है वहाँ 4 हैं, जहाँ वाहनों की कतई ज़रूरत नहीं है वहाँ ऑलरेडी 2 वाहन मौजूद हैं। और घर के युवा वर्ग जिनको, क्योंकि गुना शहर 4 किलोमीटर के अंदर बसा हुआ है, तो अपन रोज़मर्रा के काम साइकिल से कर सकते हैं।
क्योंकि साइकिल से करने से यातायात में भी राहत मिलेगी, साथ ही जो सबसे बड़ी गुनाह की बड़ी समस्या है पार्किंग, उससे भी मुक्ति मिलने में बहुत कुछ सफलता मिलेगी। साथ ही साइकिलिंग करना सेहत के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। यदि आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को आटे का, साइकिलिंग से सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हार्ट का शेप प्रॉपर रखने में साइकिलिंग बहुत मदद करती है। साथ ही आपके हड्डियों का जो आजकल विकास देखने में आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां दर्द कर रही हैं और उनका स्टेमिना ख़त्म हो गया है, यदि वो अगर दिनचर्या अपनी सुधार कर स्कूल साथ ही कोचिंग अगर यदि साइकिलिंग करें, साइकिल से आएँ जाएँ, तो घर वालों का भी तनाव खत्म होगा, साथ में ईंधन की बचत होगी, तो कहीं ना कहीं से परिवार पे उसका असर पड़ेगा। सोनी कॉलोनी स्थित एक घर में अचानक लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। बता दें कि सुबह से ही शहर के कई क्षेत्रों में विद्युत वितरण बंद था, जिसका कारण बताया गया विद्युत विभाग पर सप्लाई का ना हो पाना, जिसके चलते जब लाइट आई तो वोल्टेज कम और ज्यादा हो रहा था, जिसके चलते आज शॉर्ट सर्किट होने से हरीश वाधवानी के घर में आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि मकान में लगे लकड़ी का फर्नीचर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। जब तक फायर ब्रिगेड आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, साथ ही आग अपना विकराल रूप दिखा चुकी थी। बहुत ही मुश्किलों के बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। करीब एक दो घंटे बाद जहाँ जो मालिक रहते हैं वह उससे पहले इनका ताला तोड़ दिया गया, नगर पालिका द्वारा टैंकर मंगा के फायर ब्रिगेड की जाती है, बुला के आग बुझाई है। फायर बिना क्या नुकसान हुआ है? काफ़ी कुछ नुकसान हो गया, दो तीन कमरों में आग लग गई है, उसमें बिल्कुल ही सामान नहीं बचा, टीवी जल चुकी है, फ्रिज पूरा जल चुका है, सूटकेस वगैरह सब कुछ जल चुका है। आग लगने के कारण कुछ पता चला? जरूर पता नहीं, जानकारी होती है जिसमें उनका पूरा सामान जल गया है, हम लोगों का मुश्किल से उसको बुझाया है। उसमें नगर पालिका का सहयोग भी रहा है, उनकी गाड़ियाँ आ गई थी, इस कारण से आग पर काबू पा लिया। कुछ पता चला आग कैसे क्या लगी? शॉर्ट सर्किट। तो कैसे जानकारी मिली आपको आग लगी थी? आग ऊपर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जो हम बुझाने गए उसमें से चिंगारियाँ निकल रही। हाँ। लगभग क्या सामान जल गया देखा हुआ आपने? थोड़ा बहुत काफ़ी सामान जल गया, अभी बताना तो मुश्किल है, बेड के अंदर बहुत काफ़ी सामान था उनका, ए सी वगैरह था, पलंग थे, उनका कंप्यूटर था, कूलर था। कितने कमरों में लगभग आग लगी होगी? तीन कमरे किचन सही। अच्छा, किचन सही तीन कमरों में आग लग गई। अच्छा, लगभग कितने का नुकसान हो गया वो लगभग? अब क्या अभी अंदाजा करना बहुत मुश्किल है। जिला अस्पताल में बनाया जाएगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसके बारे में आज एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम चरण में 17 प्राथमिक केंद्रों एवं 5 उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दर्जा दिया जाएगा। इसके बारे में आज सारी जानकारी यहां इकट्ठा की गई, जिसे आगे प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। Thank you.
और दिनेश और यानी आप मेरे तरह चीजें देखो आपसे सबसे मेरा निवेदन ये आज हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए बैठक रखी है। प्रथम चरण में हमारे 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है, उसकी कार्यशैला रखी है। उसके लिए जो जानकारी है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और वहाँ पर जो है स्टाफ क्या है, इसकी जानकारी आज एकत्रित करेंगे और फिर जो है इसके लिए फिर हम प्रदेश को भेजेंगे। में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।